श्री सौधर्म बृहतोपगच्छीय गुरुदेव श्रीमद विजय जयंत सेन सूरीश्वर जी महाराजा के शिष्य एवं गच्छाधिपति श्रीमद विजय नित्य सेन सूरीश्वर जी महाराज और आचार्य भगवंत श्रीमद विजय जयरत्न सूरीश्वर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती मुनिराज श्री निपुण रत्न विजय जी महाराज साहब आदि ठाणा का राजनगर अहमदाबाद में 14 जुलाई 2024 को अविस्मरणीय चातुर्मास प्रवेश हुआ। जय जिनेन्द्र। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसी भव्य आयोजन के कुछ विशेष अंश। इस पावन प्रसंग में चातुर्मास आयोजक श्री सौधर्म बृहतोपगच्छीय जैन श्वेतांबर त्रिस्तुतिक संघ अहमदाबाद थराद तीर्थ की ओर से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसका प्रारंभ रत्नपोल के श्री राजेंद्र सूरी ज्ञान मंदिर से हुआ। इस अवसर पर जापान के 63 गुरु भक्तों सहित 7,000 से अधिक भाई बहनों की उपस्थिति रही। शोभायात्रा में गुरु परंपरा एवं उपकारी गुरु भगवंतों के फोटो की 10 बग्गी, 1 हाथी, 5 अश्व, 5 बैलगाड़ी, परमात्मा का रथ, सुप्रसिद्ध बैंड, शहनाई आदि अनेक आकर्षक झांकियों से सुसज्जित ये शोभायात्रा रजवाड़ी ठाट से अहमदाबाद के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। निश्रा प्रदाता गुरु भगवंतों की शोभायात्रा में प्रथम सामैया के लाभार्थी देसाई रमेश भाई कीर्तिलाल परिवार ने सामैया किया। शोभायात्रा के प्रारंभ में ही बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। शोभायात्रा के नगर के प्रमुख मार्गों पर पहुंचने पर जापान के 63 गुरु भक्तों एवं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों के गुरु भक्तों एवं स्थानीय श्री संघ के सदस्यों की संख्या ने विशाल रूप लेते हुए शोभायात्रा को एक अति भव्य और विराट स्वरूप प्रदान किया। इस दौरान लगभग 7,000 से अधिक लोगों की उपस्थिति रही। शोभायात्रा में पाठशाला के 1,000 से अधिक बालक बालिकाओं ने जैन धर्म के जयकारों से शोभायात्रा को गुंजायमान किया। शोभायात्रा में थराद त्रिस्तुतिक जैन संघ अहमदाबाद के सदस्यों ने भगवान के रथ, बग्गी, हाथी, अश्व आदि पर बैठने के लिए ऊंचे भाव से बड़ी राशि का सदुपयोग करते हुए लाभ लिया। प्रमुख चौराहों पर स्थानिक विधायक कौशिक भाई शाह सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने शोभा यात्रा की अगुवानी की। जैन शासन एवं त्रिस्तुतिक गच्छ की गरिमा में अभिवृद्धि करने वाली इस शोभायात्रा को देखने वाले थराद श्री संघ के संगठन को एवं त्रिस्तुतिक जैन संघ की श्रद्धा, आस्था और समर्पण की मुक्त कंठ से अनुमोदना कर रहे थे। उसके बाद स्थानिक त्रिस्तुतिक श्री संघ की 900 से अधिक बहनों ने शीश पर कलश धारण कर मंगल गीत गान करते हुए सामैया किया। निक्षेप
लगभग 1 किलोमीटर लंबी ये शोभा यात्रा जैन धर्म एवं परंपरा के गुरु भगवंतों की जय जयकार करते हुए 4 किलोमीटर चलकर चातुर्मास स्थल पालड़ी स्थित राजेंद्र जैन वाटिका पहुंचकर धर्म सभा में परिवर्तित हो गई। कार्यक्रम स्थल भक्तों से खचाखच भरा था। पूज्य गुरुदेव के भव्य स्वागत हेतु तैयारियां की जा रही थी। इतने में ही पूज्य गुरुदेव के मंगल आगमन का आगाज हुआ और युवा मंडल द्वारा पूज्य गुरुदेव के स्वागत में मंच से एक भव्य प्रस्तुति दी गई। मुनिराज श्री निपुण रत्न विजय जी महाराज के मंगलाचरण से धर्म सभा प्रारंभ हुई। सुनो वंदी उम जावणी जाय निसी आए मथे एन वंदामी जेमनी वाणी मा गजब नी मिठास छे निपुणता नी ए एक प्रकाश छे। तत्पश्चात सभा में उपस्थित दीक्षार्थी द्वारा पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन किया गया। इस दौरान दीक्षार्थी द्वारा सभा में उपस्थित संपूर्ण श्री संघ को अक्षत की पुण्यांजलि से बधाया गया। उसके बाद श्री सौधर्म बृहतोपगच्छीय त्रिस्तुतिक जैन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वाघजी बाई वूरा सहित अनेक लोगों ने प्रसंग अनुरूप उद्बोधन दिया। आज पूज्य निपुणत विजय महाराज साहेब क्या कहम के 24 वर्ष में जेमने गुरु रहा है तमने प्रथम वक्त स्वतंत्र चातुर्मास राजनगर में करे 7 वर्ष पहला पुण्य सम्राटना देवलोक कमन बाद गछाधिपति पहलू चातुर्मास आज राजनगर में ऐतिहासिक थू। पूज्यश्री भव्यति भव्य चातुर्मास में प्रवेश निमित्ते जापान दी आवेला 63 गुरु भक्तों की खूब खूब अनुमोदना साथे साथे चिंतन भाई मणियार आपने भी खूब खूब अनुमोदना के आपे श्री संघ ने मुनि भगवान नी चातुर्मास माटे नी स्थिरता विनंती करी अने के मारी जगह में साहेब उतरे अने साहेबे सहर्ष स्वीकार करो आपने भी खूब खूब अनुमोदना चिंतन भाई। इस प्रसंग पर विभिन्न राज्यों के त्रिस्तुतिक जैन संघ के सदस्यों एवं अखिल भारतीय राजेंद्र जैन नवयुवक परिषद और परिषद परिवार के राष्ट्रीय प्रांतीय पदाधिकारी सहित अनेक सदस्यों की उपस्थिति रही। परंतु ये सार्थक जीवन नहीं बनावी सकतो जहां सुधी आ पाठशाला में पग ना मूके। तो मारू नाम छे पाठशाला, बधाने नाम तो याद हशे, मारू नाम छे पाठशाला। आ पाठशाला ए विवेक विनय अने संस्कारों सिंचन करतु હું અત્યારે કહી શકું એક ગુરુકુલમ જેવું ઊભું થયું છે। બધા બોલજો મામા મનવાંચિતમ ગુરુકુળ, મામા મનવાંચિતમ ગુરુકુળ સ્વાહા। હે ભગવાન મારા મનવાંચિત ને પૂર્ણ કરો, કેમ કે મને ધન તો આપ્યું પણ મને મન નથી આપ્યું। નિષ્ઠા પ્રદાતા ગુરુ ભગવંત કે ગુરુ પૂજન કા લાભ थराद त्रिस्तुतिक जैन संघ अहमदाबाद की आज्ञा से नीनावा निवासी मिश्रीमल नथमल जी कटारिया संघ भी परिवार ने लिया। परम विनय शिष्य कहावे, एक हाथ नहीं बे हाथ ऊपर करी नहीं। स्थानिक एवं बाहर गांव से पधारे श्रावक श्राविकाओं ने इस प्रसंग पर साधारण खाते में अनुमोदनीय लाभ लिया। गंगा पुण्यवते पालड़ी ने आंगणे आवी छे रे એટલે રહેવાનું છે રાજનગર ના દરેક ગુરુ ભક્તોએ ચા ચાતુર્માસ નો ચા।
ऐसे मंगलमय अवसर पर पूज्य गुरुदेव द्वारा अपनी मंगलवाणी से सभा को कृतार्थ किया गया। बे प्रश्न यहाँ उभा थाय छे, क्या सुधी प्रयत्न करवा योग्य छे अने सेमा प्रयत्न करवा योग्य छे, क्या सुधी प्रयत्न करवा योग्य छे एना तण उपाय बताव्या छे अने सेमा प्रयत्न करवानो छे एमा एक ज शब्द अहीं लखायो छे। सौथी पहला सेमा प्रयत्न करवा योग्य छे, प्रयत्न अपना वडे कई ओछो नथी थतो, 24 कलाक अपने प्रयत्न वाला ज छीए, आ जन्मना प्रयत्न वाला नथी, अनादि काल थी प्रयत्न वाला छीए, पण आपणो प्रयत्न सगळो संसार तरफनो ज छे, એટલે પ્રયત્નના ફળ રૂપે આપણને સંસાર સિવાય બીજું કંઈ મળતું નથી। જ્ઞાનીઓ કહે છે કે પ્રયત્ન કરવા યોગ્ય છે, પરંતુ ક્યાં કરવા યોગ્ય છે એ મહત્વનું છે। જ્યાં પ્રયત્ન કરવા યોગ્ય છે ત્યાં પ્રયત્ન નથી થતો, અને જ્યાં પ્રયત્ન કરવા યોગ્ય નથી ત્યાં પ્રયત્ન થાય છે, એટલે આપણને અનાદિકાળથી પ્રયત્ન કરવો પડે છે અને હજી અનંતકાળ સુધી પ્રયત્ન આપણે કરવો જ પડશે। તત્પશ્ચાત ગુરુ ભક્તો દ્વારા પૂજ્ય ગુરુચરણોમાં ઉદ્બોધન રૂપી અપના નમન પ્રસ્તુત કિયા ગયા। જાપાન મેં હમારે પુણ્ય સમ્રાટ ગુરુદેવ ને ગુરુ ભક્ત કે લિયે બહુત કુછ હમે દિયા હૈ આજ ગુરુદેવ નિપુણત ગુરુજી મહારાજ સાહેબ કે ચતુર્માસ રાજનગર મેં હો રહા હૈ। इसमें हम सभी गुरु भक्त गुरुदेव के प्रवेश में आ पाए, ये भी पुण्य सम्राट गुरुदेव के आशीर्वाद के कारण से आ पा रहे हैं। हमें जो भी जितने भी जापान में गुरु भक्त हैं उसमें हम सबको बहुत खुशी की अनुभव हो रही है कि ऐसे महाराज साहब के इतने बड़े चौमासा राजनगर में हो रही है। विमोचन अखिल भक्त दृष्टि संघ ना अध्यक्ष पत्रे पधारी अने विमोचन करशे। ए पहला नरेंद्र भाई जी आ तुलसीबेन माटे जी कई के केवु छे। इसी दौरान पुस्तिका विमोचन किया गया। कई के नियम साथे बनाव्यु छे। पूज्य श्री श्रवण स्वामी भगवान स्वाध्याय नी अंदर मग्न रही सके एटले श्री संघे एक समय नक्की कर्यो छे के साजे 4 થી 5 વાગે દરમિયાન પૂજ્યશ્રીને વંદન કરવા આવું, એ સિવાય શ્રવણ સ્વામી ભગવાન અથવા શ્રાવક શ્રાવિકાઓ કોઈ પૂજ્યશ્રીના સ્વાધ્યાયમાં દખલ કરવી નહીં। આ શ્રી સંઘની એક ભાવભરી इस तरह ये भव्य कार्यक्रम अपने समापन की ओर बढ़ा और पूज्य गुरुदेव द्वारा अपने मंगल आशीर्वाद से भक्तों को कृतार्थ किया गया। और इस तरह भक्ति आनंद सहित ये भव्य आयोजन यहाँ संपन्न हुआ।
धर्म सभा की पूर्णाहुति पर श्री संघ के ट्रस्टी शशि भाई ने विभिन्न राज्यों से आए श्री संघ एवं बड़ी संख्या में पधारे श्रावक श्राविकाओं का शब्दों से स्वागत किया और स्थानीय श्री संघ के जिन सदस्यों ने विशाल संख्या में शोभा यात्रा में पधार कर शोभा यात्रा को अविस्मरणीय बनाने में जो योगदान दिया उसके लिए उनका आभार व्यक्त किया। धर्म सभा की पूर्णाहुति पर कार्यक्रम में भाग लेने वाले भक्तगणों ने ऐसे भव्य आयोजन को लेकर अपने मंगल भाव भी व्यक्त किए। राजनगर में ऐतिहासिक चातुर्मास प्रवेश हुआ है परम पूज्य निपुण रत्न विजय जी महाराज साहब का। इसके बारे में हमारे बीच में आए हुए जापान से 63 भक्तों को लेकर आए तुलसीबेन, आप इसके बारे में क्या अपने विचार व्यक्त करते हैं? पहली बार निपुण रत्न महाराज साहब के चतुर्मास स्वतंत्र चतुर्मास पहली बार हो रहा है राजनगर में पुण्य सम्राट के आशीर्वाद से। हम जापानी गुरु भक्त भी इसमें बहुत बहुत खुश है। मैं तो बिल्कुल इतना खुश हूँ कि लग रहा है कि यही रहकर 9 दिन आराधना कर दूँ 4 महीने। फिर भी है ना गुरुदेव की वचन है कि तुम भी जापान में आराधना करो, करवाओ। उनकी इच्छा थी गुरुदेव के आशीर्वाद से। जापान में भी 6 साल से नवकार आराधना स्टार्ट हो रही है। इस साल वहाँ टूटा नहीं सकते हैं, इसलिए मैं मुझे भी जापान में आराधना नवकार आराधना करवाना है, तो मुझे वापस तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही नवकार आराधना खत्म हो जाएगा तो फिर मैं एक बार राजनगर में जरूर आऊँगी। पुण्य सम्राट जयसेन सुरेश्वर जी महाराजा ना परम शिष्य एवं निपुणत्म महाराज साहेब नो चातुर्मास राजनगर श्री संघ ने मळ्यो ए अमारो अहोभाग्य छे। पण साथे साथे समस्त त्रिस्तुतिक संघों में एक मैसेज जसे के समस्त त्रिस्तुतिक संघ नो हेडक्वार्टर अमदावाद छे अने ए हेडक्वार्टर ना बॉस बनवा माटे निपुणत्म महाराज साहेब ने अमे अहीं लाव्या छे। तो संघनी एवी भावना छे के 4 महीना दरमियान राजनगरना 5000 त्रिस्तुतिक परिवारों सामूहिक रीते तप जप में जोड़ायेला रहे अने पूज्य गुरु भगवान निपुणत्म महाराज साहेबनी तमाम बातों ने तहती करे एवी ज भावना। जय गुरुदेव। राजनगर की इस पुण्य धरा पर पावन चातुर्मास प्रवेश ऐसा महसूस हो रहा है जैसे पुण्य सम्राटी यहाँ पर विराजमान है। मुनिराज निपुण रत्न विजय जी महाराज साहेब एवं आदि ठाणा साध का यह पावन प्रवेश मंगलमय बने। जिस तरह से ये ऐतिहासिक प्रवेश हुआ है, ये चातुर्मास भी ऐतिहासिक बने। खूब खूब मंगल भावनाएं, शुभकामनाएं। इसी के साथ इस विशेष प्रस्तुति में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेन्द्र।